नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोहे से बनाए जाने वाले बिल्कुल अलग तरीके की रेसिपी। इस तरीके की रेसिपी पोहे से आज से पहले आपने नहीं बनाया होगा। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा वीडियो देख के इस रेसिपी को नहीं बनाइएगा, नहीं तो हो सकता है कि बाद में ये टूट जाए या खराब हो जाए। तो यहाँ पर आप जितना भी लेना चाहते हैं पोहा, जितना आपको बनाना है उस हिसाब से पोहे ले लीजिएगा, कोई इसका नाप तोल नहीं है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप पोहे के बारे में समझ लें कि पोहा थोड़ा बारीक वाला लीजिएगा, पतला वाला लीजिएगा। एक पोहा थोड़ा मोटा होता है, मोटा पोहा का इस्तेमाल यहाँ पर आपको नहीं करना है क्योंकि इसका जो बनाने का तरीका है एकदम अलग है। तो पतला पोहा से आप बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। इसे चूड़ा भी बोला जाता है, तो आप जो बोलते हैं समझ लें। और यहाँ पर 1 कप के करीब पोहे को ली हूँ। इसको अच्छे से एक बार छन्नी में डाल के और छान लीजिएगा, जो इसमें कण होगा पतला पतला सा छोटा छोटा सा वो सारा निकल जाए और पोहा हमारा बहुत अच्छे से साफ सुथरा सा मिल जाए हमें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। पोहा हमारा पहले से साफ किया हुआ है तो इसे साफ करने का कोई जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फ्रेंड, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मैं अच्छी अच्छी से रेसिपी आगे भी लेके आती रहूंगी। तो अभी इसके अंदर हमें डालना है पानी। पानी गर्म नहीं, बस नॉर्मल पानी दे दीजिए इसके अंदर और बहुत अच्छे से इसको मल मल के साफ करना है। वीडियो कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, इसके अंदर से जो ये भूसा भूसा सा कुछ निकल रहा है जो धान का है, तो वो पानी डालने से पूरा निकल जाता है। देख पा रहे? सारे को अच्छे से साफ करके 3 से 4 बार पानी डाल के इसको साफ करना है धो के। तो इसमें 3 से 4 बार पानी डाल के अच्छे से धुल के साफ कर लियो और इसके अंदर जरा सा भी पानी नहीं छोड़ना है। मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। देखिए, और पतला पोहा है, जब आप इसको पानी डाल के साफ कर रहे हैं तभी ये आधा से ज्यादा फूल जाता है। और मोटा वाला जो पोहा होता है तो उसको क्या होगा, फूलने में भी ज्यादा समय लगेगा। और उसका रेसिपी इस टाइप का जो कि आप बना के सन ड्राइड और 1 साल 2 साल तक रखते हैं, अच्छा नहीं बनता है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है, पोहे के अंदर डालना है हमें कुछ मसाले। तो चलिए मैं एक एक करके डालती जाती हूँ और आपको बताते भी जाती हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर डालना है हमें स्वाद के अनुसार नमक। नमक ध्यान से डालिएगा इस टाइप की रेसिपी में, जब ये सूखते हैं तो नमक बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो नमक थोड़ा सा कम डालिएगा। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। फ्रेंड्स, आपको होली के लिए पापड़ और चिप्स की रेसिपी चाहिए, कोई भी तरह के पापड़ और चिप्स की रेसिपी, तो आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं मी सहेली पापड़ रेसिपी। बस इतना ही सर्च कीजिएगा, आपके आगे बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे जो कि मैं पहले बना कर डाली हुई हूँ। और आप हमारे वीडियो को देख के कोई भी पापड़ चिप्स बना सकते हैं। यहाँ पर लिया है आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हल्का सा हाथ से रगड़ के डालेंगे तब इसका जाके स्वाद अच्छे से खुलता है। आप मठरी भी बनाना चाहते हैं तो YouTube पर सर्च करते हैं कर लीजिए मी सहेली मठरी रेसिपी, आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, एक चुटकी डालना है हींग। सारे मसाले को ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा बनता है। सफेद वाला तिल 1 चम्मच डालेंगे। अब इसके अंदर डालना है हमें लाल मिर्ची पाउडर। मिर्ची आप जितना डालना चाहते हैं उस अनुसार से आप डाल लीजिएगा। थोड़ा सा डालेंगे धनिया का पाउडर और इसके साथ जीरा भी है, कुटा हुआ भुना हुआ जीरा है फ्रेंड्स। भुना हुआ जीरा से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में डालेंगे थोड़ा चिली फ्लेक्स, इससे देखने में अच्छा लगेगा और खाने में भी हल्का तीखा लगेगा। अब इसमें डालना है हमें 1 चुटकी के जितना मीठा सोडा। ये डालने से ये फूलेगा जब आप इसको फ्राई करेंगे। सारे चीज डालने के बाद इसको अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे और देखिए साथ साथ में ये फूलता भी जा रहा है। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है और बाद में जरूरत होगा तो इसमें थोड़ा सा पानी डाला जाएगा, लेकिन अभी इसमें पानी नहीं लग रहा है कि पड़ेगा। ये जैसे जैसे फूलता है फिर इसका पानी जो है बिल्कुल सूख जाएगा, तो अभी इसमें हल्का सा पानी का छींटा डाल देते हैं जिससे कि इसको फूलने में मदद हो।
सारे मसाले डालने के बाद इसमें ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट तक, 5 मिनट तक, 7 मिनट तक, जितना समय में ये पोहा फूल जाए, जैसा पोहा आप ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटा ले रहे हैं तो ज़्यादा समय लगेगा, बारीक वाला है तो ये 5 मिनट में ही अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगा। तो इसमें ढक्कन लगा के इसको साइड कर देते हैं, जब तक पोहा फूलता है तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं जो कि इसके साथ में डाला जाएगा, क्योंकि बिना गैस चलाए हुए आज पोहे का बहुत ही कुरकुरा सा चिप्स बना के आपको दिखा रही हूँ, एकदम अलग तरीके का, एकदम नए तरीके का। तो चलिए इसमें ढक्कन लगा के साइड कर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये है साबूदाना। तो फ्रेंड्स साबूदाना को आप रात में ही डाल दे पानी में फूलने के लिए, और यदि झटपट से बनाना है तो आप गर्म पानी इसमें डाल के 5 से 6 घंटा के लिए छोड़ दे, तो ये बहुत अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो जाता है। साबूदाना बहुत अच्छे से फूला हुआ होना चाहिए, देख पा रहे हैं, जब हल्का सा इसको हाथों से तरीके दबा रही हूँ तो ये पूरा एकदम अच्छे से मैश हो जा रहा है। तो साबूदाना हमारा जो है बहुत अच्छे से फूला हुआ होगा तो ही ये रेसिपी अच्छा बनेगा। तो एक छन्नी लेंगे और छन्नी के ऊपर सारे साबूदाने को डाल देंगे, देखिए इस तरीके से, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो पानी निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी रखेंगे साबूदाने के अंदर तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाए, फिर जब आप इसका रेसिपी बनाएं तो दिक्कत हो। तो ये जो पानी साबूदाने से निकल रहा है इसको फेंकेंगे नहीं, बाद में इसका इस्तेमाल कर लेंगे यदि ज़रूरत लगा तो। देखिए पानी भी बहुत अच्छा से गाढ़ा है और इसमें भी बहुत ज़्यादा स्टार्च है, तो ये भी चिपचिपा पानी है। तो इसी तरीके से सारे साबूदाने में से पानी को अलग कर लेना है, और अभी साबूदाना को दूसरे बर्तन में डाल लेंगे। 1 कप साबूदाना, 1 कप पोहा ले रहे हैं फ्रेंड, तो आप उसमें 1 कप भी साबूदाना डाल सकते हैं, 1 कप से थोड़ा सा कम भी साबूदाना डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और 1 कप पोहे के लिए आप 1 कप साबूदाना डालते हैं यदि बराबर तो भी अच्छा लगेगा, और थोड़ा कम डालते हैं तो भी अच्छा लगेगा। अब सारे साबूदाने को पहले अच्छे से मैश कर देना है, तो ये फूला हुआ रहेगा तो बहुत अच्छे से ये मैश हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से दबाते हुए जो इसका दाना है सारे दाना को तोड़ देना है, जैसे कि साबूदाना थोड़ा चिपचिपा हो जाए। फ्रेंड्स आपको होली स्पेशल पापड़ चिप्स की रेसिपी चाहिए, हर रोज़ हमारे चैनल पर पापड़ चिप्स फ्राइम्स इसकी ही रेसिपी आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, तभी हमारे हर वीडियो को आप देख पाएंगे। मैं किसी भी समय में वीडियो डालूंगी तो आप तक पहुंच जाएगा, तो इसके लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। तो देखिए साबूदाना जो है बहुत अच्छे से मैश हो गया है, देख पा रहे हैं, और जो 1-2 दाना है उसको अच्छे से पहले मैश कर लेती हूँ। तो साबूदाना हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, और जो एक आध हल्का हल्का सा गोल गोल सा दाना है तो उसको रहने दें, वो बाद में बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो इसके लिए बहुत हल्का फल्का सा रह गया मोटा पार्ट, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह छोड़ें। आप पोहे को चेक कर लिया जाए, देखिए फ्रेंड्स ये जो है अच्छे से फूल गया है, इसको गूथने से एकदम आटा के जैसे ये गूथ रहा है, देख पा रहे हैं। पोहे को बहुत अच्छे से गूंथ लीजिए, जितना ये चिपचिपा होगा उतना ही अच्छा बनेगा। पोहे को धोने के बाद जो इसके अंदर पानी रहता है उसी पानी में इसको फूलने डालिएगा, और बाद में ज़रूरत होगा तो इसमें पानी डालिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गीला भी हो सकता है, ये पोहे के ऊपर है, कोई पोहा बहुत ज़्यादा पानी सूखता है और कोई पोहे में कम पानी लगता है। तो इसको पहले इस तरीके से गूंथ लीजिए अलग में, बिल्कुल आटा के जैसे। तो देखिए ये जो है एकदम अच्छे से गूंथ चुका है, अब इसमें साबूदाना डालेंगे, और साबूदाने और पोहे को फिर एक साथ करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। साबूदाने की वजह से जो है पोहा का चिप्स वो टूटेगा नहीं, बहुत अच्छे से साबूदाना उसको बांध के रखेगा। इसके लिए इसके अंदर साबूदाना डाल के बनाई हो, और एकदम से नई रेसिपी है फ्रेंड्स, इसके पहले आपने नहीं बनाया होगा, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, एकदम आसान रेसिपी है। सूखने में थोड़ा सा समय जाएगा, तो आप धूप में सुखा ले, आपके यहाँ धूप नहीं है तो आप पंखे की हवा में भी इसको आराम से बना सकते हैं। अब इसमें पानी थोड़ा सा लगेगा, तो जो साबूदाना से पानी निकला था उसी का इस्तेमाल यहाँ पर कर लेंगे।
बहुत ज्यादा सूखा हुआ रहेगा तो फिर ये बिखरने का इसका डर रहता है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए अच्छा से एकदम मिलाइए, जिससे कि एकदम से ये चिपचिपा हो जाए और बहुत अच्छा बनके तैयार हो। इस तरीके से पूरा वीडियो यदि आप देख के बनाएंगे, चिप्स हो फ्राइम्स हो, तो आपके पापड़ हो या चिप्स हो कभी भी बिगड़ेंगे नहीं। फ्रेंड्स, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं आप लोग, इसी के कारण होता है कभी कभार कि कोई भी चीज़ खराब हो जाता है, जैसे कि पापड़ और चिप्स। तो देखिए बहुत अच्छा से चिपचिपा हो गया है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें। तो अभी ये तैयार हो गया है, देखिए इसको कितना गीला रखना है, कुछ इस तरीके से। आप इसमें धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन धनिया पत्ती डालिएगा जब ये सूखेगा तो इसका रंग डार्क हो जाता है, इसके लिए धनिया पत्ती इसमें नहीं डाल रही हो। आपको जरूरत है, आपको डालने का मन है तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिप्स बनाने के लिए पॉलीथीन डाल ली हो, पॉलीथीन के ऊपर आपको कुछ भी नहीं लगाना है क्योंकि इसमें चिपकेगा नहीं। और यहाँ पर छोटी कटोरी में पानी लेना है और पानी में हाथ इस तरीके से आपको डिप कर लेना है और थोड़ा थोड़ा सा इसमें से लेंगे। जैसे चावल का हम लोग कचरी बनाते हैं, इसे कचरी बोला जाता है या क्या बोला जाता है आप लोगों के यहाँ? हम लोगों के यहाँ इसे चरौड़ी बोला जाता है, चावल का जो बनाया जाता है उसको। इस तरीके से छोटा छोटा सा, इसका बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे क्योंकि सूखने के बाद ये काफ़ी छोटा छोटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज से पहले आपने इस तरीके की रेसिपी चावल से बनाई होगी, लेकिन पोहे की नहीं बनाई होगी, वो भी बिना गैस जलाए हुए पोहे साबूदाना से। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको चावल वाला से ज़्यादा ये पसंद आएगा। सिर्फ करना क्या है, इसको अच्छे से मैश कीजिएगा जिससे ये बहुत चिपचिपा सा हो जाए। जब चिपचिपा नहीं रहेगा तो फिर सूखने के बाद ये बिखरने का इसका डर रहता है। तो इसी तरीके से सारे को बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे चिप्स को बना के डाल दी हूँ सूखने के लिए। धूप है तो आप धूप में सुखाएं, धूप में सूखा हुआ जल्दी भी सूख जाएगा और अच्छा भी बनेगा। नहीं है तो आप पंखे के हवा में भी इसको 5 से 6 दिन तक सुखा सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बन के आया है, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, जब चिप्स सूखता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है पोहे के चिप्स सूख के तैयार हो गए हैं और सूखने के बाद ये बहुत अच्छा बन के आया है। देखिए एकदम फूल के जैसे है और एक भी टूटा फटा नहीं है। अच्छे से गूंथ के बनाइएगा तो ये नहीं बिखरेगा। चलिए आपको फ्राई भी करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा तेल को अच्छे से गर्म करना है। अच्छे से इसको फ्राई कीजिए। देखिए बनके तैयार है पोहे साबूदाना का चिप्स, जो कि बहुत अच्छा और बहुत खस्ता बनके तैयार होता है। और बिना गैस जलाए हुए आप जब चाहे इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं और साल दो साल तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।